मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम है 11 बजे का और यहाँ हमारा जो कॉटेज था वहाँ से हमें आज इस वाले रूम में लोगों ने शिफ्ट किया है। जैसे मैं आपको बताया था कि एक साथ मुझे 6 दिन का बुकिंग नहीं मिला, तो यहाँ हमें आज इन्हीं का ये वाला एरिया है जिसमें सिंगल सिंगल रूम बने हुए हैं इस यूनिट में। उधर यूनिट में कॉटेजेस हैं और यहाँ सिंगल सिंगल रूम है। तो ये है रूम नंबर 1 और ये है, देखो प्रीशा दिख रही है ना, प्रीशा आइकर, ये है रूम नंबर 2। तो ये एंट्रेंस है, ये हमारा रूम नंबर है। आज हम एंट्री मारते हैं तो रूम काफी सुंदर है, काफी बड़ा स्पेशियस है। अपसेट है गाइस, ये लोगों ने कितना बड़ा रूम लिया हमारा, पता है मतलब बाप बेटे का सामान ही क्या है यहाँ। ये आ गए हमारे हिमाचली पति, ये देखो हिमाचली डांस भी हो रहा है। ठंड बहुत है, आप धूप देख के ना सोचे कि गर्मी लग रही है, यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड है। ये हमारा लगेज, हाँ तो ये है हमारा रूम नंबर 1। मतलब यानी मेरा और प्रीशा का, ये लाइट क्यों नहीं चल रही है, लाइट ऑन करो। तो ये रूम की एंट्रेंस है, ये क्यों नहीं चल रहा, इसको चलाओ। वाओ, तो ये जो इनके सिंगल सिंगल रूम्स है ना, ये मैं बंद कर देती हूँ। विवेक एक मिनट, बंद कर रही हूँ। सिंगल सिंगल रूम भी काफी ब्यूटीफुल है, आप देख इस तरह से ये डोरबेल लगी है, ये इस तरह से रूम है पूरा का पूरा। ये काफी बड़ा है, विवेक वाला छोटा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, बट नॉट बैड, नॉट बैड। और कल हम ये लोग लग्जरी कॉटेज देने वाले हैं। ऊपर का सीलिंग सेम है जैसे वहां पे था, यहाँ एक पेंटिंग लगी हुई है। इस साइड में है वॉशरूम जो कि काफी बड़ा है। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा वॉशरूम है ना प्रीशा, काफी बड़ा वॉशरूम है। और इंटीरियर वगैरह वॉशरूम का भी बहुत ही अच्छा है। और नीचे फ्लोर इस टाइप से है एंड वो बाथिंग एरिया है, ये भी काफी बड़ा है। यहाँ पे कांच लगा हुआ है बीच में और टॉयलेट। इनके बाथरूम्स हैं बहुत अच्छे, मतलब इनकी प्रॉपर्टी मुझे सभी अच्छी लगी, सिंगल रूम्स भी अच्छे लगे। ये रही मैं, अभी नहाई नहीं हूँ, जैकेट में हूँ, ठंड लग रही है। चलो इसको वॉशरूम को करते हैं बंद, अब मैं आपको पूरा रूम दिखाती हूँ। ये एंट्रेंस डोर है और ये है रूम और उधर विंडो है, वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, दिखाती हूँ। लाइटिंग्स बहुत अच्छी लगी हुई, लैम्प बहुत अच्छे लगे हैं और ऐसे ना तिरछा रूम है ये। ये टीवी यहाँ पे, ये यूनिट है सामान रखने के लिए, तो यहाँ सब सामान प्रीशा ने डाल दिया हुआ है तैयार होने के लिए। कांच, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है टॉयलेट के बाजू में, है ना। और एसी लगा है और ये एक छोटी सी डेस्क है काम करने के लिए, यहाँ छोटा सा बैठने का एरिया है। बड़ा है यार, हाँ जल क्यों रहे हो, जल क्यों रहे हो, बंद कर लो डोर एक मिनट। जल रहे हैं दोनों बाप बेटे हमसे, जलन देखो इनकी। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ है एक प्यारा सा वो रखा है, वाज रखा हुआ, देखिए कितना बड़ा सा सुंदर सा। और यहाँ से भी व्यू तो अच्छा है, वाह पूरा वैली व्यू है विवेक, हमारा भी ऐसा ही सेम टू सेम। इसको खोलते हैं से व्यू, जो कि बहुत अच्छा व्यू है। सारा लगेज व्यू मैंने सेट कर दिया है, सारा लगेज दिखा ना, अलमीरा दिखा दो जरा कैसी है। यहाँ पे एक मेरा बैग पड़ा है, इसको बाहर निकाल दो, आ जाओ अंदर से। काफी बड़ी अलमीरा है, अंदर बेड वगैरह रखे हैं, इसको इग्नोर करना। ये हमारे सब बुलन ऐसे डाल दिया इसने, ये भी काफी बड़ी है। ऊपर ऐसी चप्पलें दी है जैसे हमने, यार रूम तो मानना पड़ेगा, रूम इनके सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। हम इनके सारे टाइप की रूम्स घूमने वाले हैं, एक हमने बेसिक कॉटेज घूमने, अब कल आपको हम दिखाएंगे इनकी लग्जरी कॉटेज, मतलब जितने भी तरह के यहाँ पे रूम है ना, सब में हमारा स्टे हो गया है, आप ये समझ लो। कॉटेज है इनका, वो यहाँ का बेस्ट है और बहुत, जिसमें हमारा कल से 2 रात का स्टे है। आपको दिखाती हूँ विवेक का रूम पूरा, देखिए यहाँ भी सामने पूरे वैली व्यूज ही हैं और ये बहुत प्यारा लगा हुआ है, कोगिल कॉटेजेस लिखा है। चलो इनका रूम दिखाएं, डोरबेल पे जाना पड़ रहा है, नाराज हो गए हैं दोनों, दोनों का रूम छोटा है ना। टन 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 टन, विवेक वो लाइट जलाओ। तो ये है इनके रूम का लुक, मैं आपको ये वैसे तो दिखा रही हूँ वाइड एंगल से, लेकिन आप देख लेना, रूम इतना भी छोटा नहीं है, 2 लोग आराम से रह सकते हैं, यानी फॉर अ कपल ये रूम बेस्ट है। और मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने मेरा बजट पूछा है भाई कि आपको ये कितने में पड़ा, तो देखिए
तो देखिए अगर आपका बजट कम है ना तो आप ये वाले रूम ले सकते हो, जो सिंगल सिंगल रूम मैं आपको आज शो कर रही हूँ ना। देखो इसका व्यू भी बहुत अच्छा है और पूरे वुडन है, मतलब बिल्कुल वो वाले वाइब्स देते हैं जो एक हिल स्टेशन वाले वाइब्स होते हैं ना, कम्प्लीटली वो वाइब्स हैं। और इतना छोटा भी नहीं है कि आराम से रहा नहीं जा सकता, आप खुद ही देख लो, खूब आराम से एक कपल आराम से रह सकते हैं, इवन एक छोटा बच्चा भी हो तो भी चलता है। और बाथरूम इनके काफ़ी स्पेशियस हैं गाइज, तो दो ये छोटे रूम भी आप चाहो तो भाई रूम्स भी ले सकते हो यहाँ पे, डीलक्स रूम, स्टैंडर्ड रूम, लग्जरी रूम, बेस कॉटेज एंड लग्जरी कॉटेज, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे रहने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। सो बेस कॉटेज थोड़ी सी मुझे कॉस्टली पड़ी थी, अगर मैं पूरा ट्रिप बोलूँ, देखो मेरा तो कैब भी था ना, ऑब्वियसली मेरा कैब भी मैंने किया है ना चंडीगढ़ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ कैब मेरे साथ के साथ है, मैं यहाँ 6 रातें रुकने वाली हूँ, 6 के 6 रात, 7 दिन पूरा मेरे साथ कैब रहने वाली है, तो वो भी पैसा इंक्लूड होता है, तो वो मैं आपको आराम से बताऊंगी कि मेरा टोटल पैकेज मुझे कितने में पड़ा है। मैं डरा दिया, इन्होंने बोला कि इनका वॉलेट रूम में नहीं है और ये पुराने वाले रूम से नहीं लाए हैं, और अब ये आके मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर्दे के पीछे रखा है रुचि। और हम इतना डर गए ना, इतना डर गए हम गाइज कि हमने जगह जगह ढूंढ मारा है, और इनका रूम भी देखिए कितना अच्छा है, जो ये हमसे लड़ रहे हैं, डेकोर इनके रूम का ज्यादा अच्छा है, इनके बेड में यहाँ लाइट भी चल रही है, और यहाँ तो पता नहीं कुछ दी है। वाओ, ड्रॉअर है ये, ड्रॉअर है, खुला पर ये मैट है, मस्त यहाँ पे एलईडी भी लगी हुई है। बोलो कैसे याद आया कि यहाँ पे रखा है पर्स? बस समझ गया मैं। और इनके रूम में भी यहाँ पे ये है छोटा सा वाज, और अच्छा रूम है, कोई छोटा रूम नहीं है, ये वाइड एंगल से दिखा रही हूँ मैं। देखिए गाइज ये वाइड एंगल नहीं है, ये नॉर्मल मोड पे मैं आपको दिखा रही हूँ, पर रूम बहुत अच्छा है। कहाँ छोटा रूम है ये? छोटा, मेरा बैग उससे छोटा है, उससे छोटा है, पर इतना छोटा नहीं है, अपना एक ही दिन निकालना है, कल तो मिल जाएगा ना अपने को। और अब लास्ट में मैं अपना रूम भी आपको वाइड एंगल से दिखा देती हूँ। यहाँ प्रिशा है, अभी हम लोग नहा धो के तैयार होंगे। मुझे यहाँ के बाथरूम बेस कॉटेज के बाथरूम से भी ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ डिस्पेंसर्स हैं जिसमें एक में बॉडी लोशन, एक में शैम्पू, एक में बॉडी वॉश मिल जाएगा आपको। नहीं नहीं, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लगेगा डिटेल में बता रही है दीदी तो प्रमोशन कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं काफ़ी हैप्पी हूँ इस प्रॉपर्टी से, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छे रूम्स हैं सीरियसली। और फाइनली मैं तैयार हो गई नहा धो के, फ्रेश होके, मेरा व्लॉग अपलोड करके, अभी 2:45 हुए हैं और नहा धो के रेडी हुई हूँ। रूम बहुत अच्छा है वैसे, अच्छा ही लग रहा है, इनके सारे रूम मुझे अच्छे लगे। एक्चुअली इनकी सारी कैटेगरी हमने देख ली, बेस कॉटेज देख ली, ये डीलक्स रूम है उधर वाला, और ये लग्जरी रूम है जो कि सिंगल सिंगल रूम है, बाजू बाजू में दिखा दी मैंने आपको, और कल हमारे यहाँ लग्जरी कॉटेज है, तो सब कुछ देख लिया, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो अभी नहा के मैं तैयार हुई हूँ, मैंने ये टर्टल नेक, गर्म है ये स्वेटर जैसा क्या हो रहा है गले में, और नीचे पहनी है जीन्स, और अभी फिलहाल मैंने ये मेरे लॉन्ग बूट पहने हैं क्योंकि मैं कुछ रील बनाऊंगी अभी और फोटोज वगैरह क्लिक करूंगी, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के जाने वाली हूँ। आज रोहतांग जाने का था, कैंसिल कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये लग रहा था, थकान लग रहा था, 2-4 दिन ज़्यादा घूम लिए थे, तो आज हम यहाँ लोकल ही जाएंगे, एक मनु टेम्पल है, एक शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ जाएंगे दोनों जगह दर्शन करने। प्रिशा नहा ली, अब तैयार होगी, मैं पूरी रेडी हो गई, और नाश्ता इतना हैवी कर लिया होता, नाश्ते में आज पनीर परोठे और क्या क्या था प्रिशा, पोहे में बहुत सारी वैरायटी थी, तो वो सारी खा पी के हमने रूम पूरा शिफ्ट किया, फिर मैंने बैठ के एडिटिंग करी। मम्मी का फ़ोन आया था, मेरी सास का, वो आज हमारे सिटी में पहुंच रही हैं, अपनी पुरानी फ्रेंड्स, उनकी गेट टुगेदर है उनकी पुरानी फ्रेंड्स का, अच्छी बात है ना यार, सभी ने गेट टुगेदर करना चाहिए, नॉट ओनली अस, क्यों प्रिशा, चाहे बूढ़े हो या जवान हो या जो भी हो, सबने मिलना चाहिए फ्रेंड्स से। और विवेक जब से आए, विवेक के तो फ्रेंड्स का रातों रातों फोन चल रहा है, रात के 4 बजे भी इनके फ्रेंड का कॉल आया था, कौन सा फ्रेंड जो बाहर से आया हुआ है, जिसको ये छोड़ के आए, इनका दिल तो उन्हीं में पड़ा हुआ है, सारे इनके इकट्ठे हुए हैं दोस्त वहाँ पे, हमें तो पता नहीं था, हमारा प्लान तो पहले से फिक्स था, नहीं तो हम रुक भी जाते। तो मैं कुछ रील बना लूँ फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे ये बूट निकालना है, ये पहन के ना सिर्फ मॉल रोड जा सकते हैं, मॉल रोड पे लोग ऐसे घूमते हैं, बाकी मंदिर वंदिर तो स्पोर्ट्स शूज में ही कंफर्टेबल रहता है। ये तैयार हो जाए फिर मिलवाती हूँ, मीन वाइल मैं रील बना लेती हूँ। विवेक जी तैयार हो गए, बिटिया रानी भी तैयार हो गई, और इन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये मतलब प्रिशा को नहीं पता था कि विवेक ने ये शर्ट पहना, मुझे भी नहीं पता था, और पापा को भी, लेकिन मतलब पापा पहले नहाने गए हो, लेकिन बाप बेटी का ड्रेस कोइंसिडेंस हो गया, और मैं भी ब्लैक एंड ब्लैक हूँ, इसलिए प्रिशा ने भी ब्लैक एंड ब्लैक रखा है, मैं मेरी बच्ची से, बट हम भी है ना, पापा दोनों के साथ सेम सेम कर गई हूं, बस हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं आपके दोनों के भी फोटो खींचती हूँ, मेरे मम्मा के साथ बूट और ब्लैक सेम रखा है, और पापा के साथ शर्ट सेम रखी है, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, तुम्हारे फोटो तो बनते हैं, यहाँ पे स्माइल दो जल्दी से, स्माइल दो। ये देखिए गाइज मैंने भी पूरा चेंज कर लिया क्योंकि उसमें ना ठंड नहीं रुकती लेदर वाली में, और प्रिशा ने भी कर लिया, इधर आ जा, यस
पूरे ब्लैक और शूज हमारे चेंज हो गए, बस रील बनाने के लिए हमने उसको यूज किया, शूज को और जैकेट को और फोटो खींचने के लिए बस। अभी बज रहे हैं 3, हम लोग निकल रहे हैं। हाँ चलो, हम लोग बाहर जाने से पहले रोज मनाली में ये सारी चीजें पैक करते हैं, जैसे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ये देखिए गाइस मेरी कैप कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट कैप है, देखो ये मैं लगाऊंगी, क्यूट क्यूट सफेद सफेद। चलो अभी ने आज अपना नया H&M पहना है, देखिए गाइस इसका H&M का टी शर्ट जो मैंने मिंत्रा से मंगाया था, आपको दिखाया भी था, हैंडसम लग रहा है। विवेक आप अपनी वो जैकेट लो, चलो स्टाइल मारना बंद करो, चलो लेट हो रहा है, चलो ब्लॉक कर दे वीडियो। हम लोगों ने आज खूब सारे सेल्फी लिए हैं, तो मनाली की पिक्चर्स के लिए आप मेरा कम्युनिटी चेक कर सकते हो, आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर से चेक कर लेना, वहाँ पे मैं सारे फोटोज मेरे मनाली के रील सब लगा दूंगी। हु आर यू टॉकिंग, छुप छुप के किससे बातें करते रहते हो? मैं ऊपर रूम पे रहती हूँ, छुप छुप के किसी से यहाँ बात करते हैं? किससे प्रॉमिस करके आए हो कि बीवी के साथ जा रहा हूँ? मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, आपका फोन बोलो। इन्होंने रील बनाई है मेरे साथ, बहुत सारी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे नागर कैस्टल की तरफ। आज मैंने बोला ना आपको लोकली करेंगे, जो भी करेंगे तो लोकल भी काफ़ी सारी एक्टिविटी हो जाती है, और ये नागर कैस्टल मुझे तो पता नहीं था, मैंने सोचा था बिल्कुल मनाली में लगा हुआ होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मनाली से बाहर की तरफ है। तो जाते हुए बोलूँ आपको 20 से 25 मिनट हम लोगों को ये ड्राइव लगा, और रास्ता बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही प्यारा, मतलब आप खुद ही देख लो। मनाली मतलब ऐसी जगह है ना जहाँ जाके इंसान बार बार जाना चाहेगा, जो कि मैं खुद भी चाहती हूँ। और रास्ते में एक बहुत अमेजिंग चीज़ हमें देखने के लिए मिली, तो वो है ये, यहाँ का कुछ ट्रेडिशनल कुछ था, मतलब ये उनकी रिलीजन से रिलेटेड कुछ कह सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इसके बारे में क्योंकि फुल नॉलेज नहीं है, तो हाफ नॉलेज नहीं दूँगी। तो फाइनली हम लोग पहुँचे हम नागर कैस्टल। ये क्या है क्या नहीं इसके बारे में विवेक आपको बताएंगे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, वो ही किसी लोकल को पूछ के आए थे, मतलब वो किसी लोकल बंदे से पूछ रहे थे यहाँ क्या और देखने जैसा है, तो उन्होंने बताया तब हम लोग यहाँ आए हैं जी। तो हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे नागर कैस्टल, ये क्या है विवेक? हाँ शूट कर रहे हैं, व्लॉगर हो चुके हैं विवेक मेरे साथ रह के, और बहुत अच्छी रील बनाते भी हो गए। उनका पैलेस था ये, कुल्लू के जो किंग थे ये उनका पैलेस है। अभी हम लोग बीवी जी के साथ यहाँ पे कॉफी में थे। कॉफी कहाँ है? वाओ बेकरी एंड कॉफी। अरे वाह बहुत अच्छी सी लोकेशन है ये, देखो गाइस बहुत अच्छा है ये ना, ज्यादा लोग नहीं आते यहाँ पे, हमें किसी लोकल ने बोला कि यहाँ पे जरूर आओ, हमने कहा चलो जरूर से देखते हैं, ऐसे भी आज हम रोहतांग तो गए नहीं, कुछ तो एक्सप्लोर करना ही था, तो यहाँ पे आ गए। बहुत अच्छी लोकेशन है, और प्रिशा ये रही, प्रिशा अभी ये रहे, ये रहे हम क्यूटी पाइस, हम दिख नहीं रहे हमें, वो दिखेंगे वो इस टाइम पे, लाइट वैसी है ना हाँ। इसलिए नहीं दिख रहा। काफ़ी अच्छा सा लोकेशन है। विवेक आपने शूट किया बाहर से? तो मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हो इसीलिए। ओके, कितना प्यारा सा सिटी सा लग रहा है ये, एकदम ब्यूटीफुल सा सिटी, गोवा वाइब्स नहीं आ रही है? गोवा वाइब्स आ रही है, येलो कलर गोवा से बेस्ट है, बहुत क्यूट है ये। और यहाँ देखिए ऐसे शूट कर, बैक साइड में टेम्पल देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट है ना, यहाँ के डॉग्स बड़े प्यारे होते हैं, देखिए क्यूट है ये। हेलो बेबी, हेलो, हाय, शूट। इसलिए मैंने उसे हेलो किया, उठ के आ गया, देखो पूछ हिला रहा है यहाँ खड़े होके, बाबू प्यारा सा। पैलेस था यहाँ पे, यहाँ के जो कुल्लू के जो किंग थे उनका पैलेस था ये, कुल्लू के जो किंग थे ये उनका पैलेस। अभी हम लोग बीवी जी के साथ यहाँ पे कॉफी पियेंगे, कॉफी कहाँ है, होममेड बेकरी एंड कॉफी पियेंगे। बहुत अच्छी सी लोकेशन है, ज्यादा लोग नहीं आते यहाँ पे, हमें किसी लोकल ने बोला कि यहाँ पे जरूर आओ, गोवा से बेस्ट है। किया टेंपल, महल है राजा का, राजा सिद्ध सिंह का, 1460 का बनाया, खास क्या कि विदाउट मिट्टी सीमेंट के, कोई लोहा सरिया नहीं है, मिट्टी सीमेंट नहीं है, लकड़ और पत्थर का बना है, 600 साल से ज्यादा पुराना है, उसको होटल में कन्वर्ट किया है,
इसका स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ही देखना है। ओके, वो ही देखने लायक। और बेसमेंट में एक म्यूजियम भी है, मंदिर भी है। ओके, फिल्म वालों को ज्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ, शूटिंग बहुत होती है इधर, जैसे कि हंगामा 2 इधर हुआ है। हाँ। वाइल्ड डॉग, नागार्जुन का। हाँ। अल्लू अर्जुन का, एक ज्वालामुखी। अच्छा। देश मुद्रो, जब वी मेट द हीरो, बैंग बैंग ट्यूबलाइट, अब तुम्हारे हवाले वतन का, तेरे नाल लव हो गया, नो गया, नो गया, रोजा बरसात माजी, बहुत शूटिंग होती है। अभी तो सिद्धार्थ मल्होत्रा आया था 10-15 दिन पहले। तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक हो सकते हैं, और जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ कई सारे मूवीज़ का शूटिंग भी हुआ है। जब वी मेट तो आपको याद ही आ गया होगा, वहाँ उसका शूटिंग यहाँ पे हुआ था, और देखते ही बन रहा था पूरा वुडन, मतलब यहाँ ना सीमेंट लगा है ना कुछ, पत्थर और वुड का बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत है। देखते बन रही थी यहाँ की खूबसूरती, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इतनी तेज़ धूप निकली हुई है लेकिन ठंड बहुत है। और बहुत ही जल्द मनाली में स्नोफॉल भी होने वाला है, ऐसा यहाँ के लोग बोल रहे हैं। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ही सुंदर जगह है। इसको देख के आपको जब भी मेट का वो गाना याद आ गया होगा। हाँ, वही तो है, वही है। कहाँ जाना है? फोटो खींचने पहले अंदर देख के आते हैं ना, पूरा अंदर देख के आते हैं। सोना रुक ना, सोना सोना रुक। वाओ, क्या इसका ये इंटीरियर, सच्ची में यार गॉर्जियस, फैंटेबुलस। यहाँ पे नाग द कैस्टल नागर, यहाँ इनका। ओके, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल गाइस, इट्स ब्यूटीफुल, सुपर्ब। तो काफ़ी सारे लोग जिनको यहाँ के बारे में पता है वो लोग आके ज़रूर से यहाँ पे विज़िट करते हैं। अगर आप भी मनाली आएँ तो यहाँ विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मैं देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ मनाली को, ताकि मेरे थ्रू अगर किसी को कुछ भी नॉलेज या सजेशन चाहिए एटलीस्ट वो भी आप लोगों को मिल सके। मतलब अगर आप मनाली में आके यहाँ आ गए ना गाइस, वर्थ इट लिटरली। तो खूबसूरत नज़ारों के साथ पहाड़ों में रहना बहुत ही एक क्या बोलें, बहुत ही प्यारा सा और एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है। और आई एम अ नेचर लवर, और मेरे जैसे बहुत से लोग होते होंगे, जब मैं इन पहाड़ों को देखती हूँ ना तो मैं कैप्चर करने से अपने आप को रोक नहीं पाती, और मैंने इतने फ़ोटोज़ इतने वीडियोज़ लिए हैं यहाँ के कि मैं आपको क्या बताऊँ। और रास्ते में जो उनका मंदिर का फंक्शन जैसा हमें मिला था, देखिए यहाँ के लोगों का जो एक मंदिर का फंक्शन जैसा है जिसमें वो अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो यहीं पर एक्चुअली आ रहे थे। एंड जब हम लोग यहाँ थे ना, मुझे इतनी तेज़ भूख लगाई गाइज, एकदम से ना मुझे जब मतलब जब भी कभी मुझे इस तरह से मैं बाहर जाती हूँ और अगर भूख लगाए तो बहुत तेज़ लगाती है, और अगर तुरंत मैं कुछ ना खाऊँ ना तो मेरा मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे एकदम से वीकनेस हो जाती है। तो मैंने इनको बोला जल्दी से कुछ खाना है, तो हम लोग अंदर आ गए थे ये वूल कैफ़े। यहाँ कैफ़े बहुत सुंदर सुंदर है नागर कैस्टल के पास में, अगर आप कभी आओगे ना देखना, बहुत सुंदर कैफ़े बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले मैंने इनको बोला मुझे केक लेके दे दो, आप थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह में ब्रेकफास्ट हमने वहाँ किया था, लंच तो किया नहीं है, और काफ़ी शाम का सा टाइम हो गया है तो कभी कभी भूख लगाती है, चेहरा एकदम वीक पड़ गया था, अभी जल्दी से कुछ खा लूँगी तो मैं बेटर फील करूँगी। और बहुत ही टेस्टी केक थे, अगर आप कभी यहाँ जाओ इस कैफ़े में केक ट्राई करना। ये एप्पल पाए था, बिल्कुल फ्रेश एप्पल पाए था, बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत ही ज़्यादा। बाद में प्रिशा ने दूसरा भी लिया। ये कैरेट केक था, ये भी हमने बाद में दूसरा लिया। एक हमने चीज़ केक भी लिया था, और साथ में कॉफ़ी, कॉफ़ी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, कैपेचिनो। तो टोटल हमने अच्छे से नाश्ता कर लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ, थोड़ा सा रूम पे आराम करेंगे और फिर रात को निकलेंगे कहीं फिर से बाहर। और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। सो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, बिकॉज फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और रास्ता बहुत प्यारा था, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया पूरे रास्ते, मतलब देखते ही बन रहा था रास्ता, इतना ज़्यादा खूबसूरत था यहाँ का। तो आज का व्लॉग यहीं पर फिनिश करती हूँ, आई होप यू enjoyed it, नागर कैस्टल व्लॉग, एंड मिलते हैं कल की व्लॉग में। लव यू, टेक केयर एंड बाय।